हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हर संडे को मैं लेके आता हूँ आप लोगों के लिए पूरे वीक का जितने भी जॉब्स निकली हुई हैं, भर्तियाँ हो रही हैं, उसका वीकली जॉब अपडेट, जो कि बिहार सरकार की बिल्कुल नई भर्ती हो रही है 2020 के अंतर्गत। तो ये जो है, आप फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिए अगर आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो कौन कौन से इस बार वैकेंसी चल रही है, सभी भर्ती का अपडेट आपको हम देंगे सिर्फ एक ही वीडियो में, और ये है आपका वीडियो नंबर 7। तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो अपडेट है ये है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से, जिसका कि ऑनलाइन फॉर्म आपका भराया जा रहा है, जो कि विभिन्न पदों पर भर्ती इसमें है, जो कि 10th पास, इंटर पास या जो स्नातक पास है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बिहार सरकार की बिल्कुल न्यू वैकेंसी। और जो जो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने स्क्रीन पर, ये जो है सबका थंबनेल में दिखा रहा हूँ आपको, ये सेम थंबनेल के साथ आपको मिल जाएगा वीडियो मेरे चैनल में, जाके आप विजिट कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर नहीं खो सकते हैं तो कोई टेंशन नहीं, आपको सारे वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप एक एक करके सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, मैं जितनी वैकेंसी इसमें बताने वाला हूँ इस सप्ताह के अंतर्गत, ठीक है। और फ्रेंड, जो दूसरा है वो है कि बिहार के अंतर्गत जितने भी पंचायत में जो वार्ड हैं, तो सभी वार्डों में जो है अनुरक्षक की भर्ती हो रही है। इसका ना तो कोई ऑफलाइन फॉर्म भरा रहा है ना कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। इसमें जो वहाँ के ग्राम समिति है, मुखिया है, सरपंच है, वार्ड सचिव वगैरह हैं, वो सब मिलकर जो है इसकी भर्ती कर रहे हैं। तो आप लोग बिहार के अंतर्गत जो भी वार्ड में आते हैं तो अपने वार्ड में आप पता कर सकते हैं और इसमें जो है आप नियुक्ति करवा सकते हैं अपना। तो ये बिल्कुल न्यू भर्ती है, बिहार के अंतर्गत बड़ी भर्ती हो रही है, जो कि सभी वार्ड में इसकी भर्ती हो रही है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए जाकर वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसके रिगार्डिंग मैंने 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर, आप जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तीसरा अपडेट फ्रेंड्स ये है कि सिविल कोर्ट बिहार की तरफ से ऑफलाइन फॉर्म इसका भराया जा रहा है, जिसका कि ऑफलाइन फॉर्मेट भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो कि सभी जिलों में इसकी नियुक्ति होगी। इसमें योग्यता 10वीं पास रखा गया है। तो ये किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, क्या है अपडेट, सब कुछ मैंने इस वीडियो में दे दिया है, तो जाके वीडियो को वॉच कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट भर्ती फ्रेंड्स, जो कि बिहार स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भर्ती, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पर, यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती है, सिर्फ यहाँ पर आप लोगों का इंटरव्यू होने वाला है। इसका ऑफलाइन फॉर्मेट भी अवेलेबल है, जाके वीडियो को देखिए, और आप एलिजिबल हैं, भरना चाहते हैं तो जोर भरिए। तो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ मैंने इस वीडियो में दी है जानकारी, जाके वीडियो को वॉच कीजिए और इसको आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो अपडेट है वो है बिहार के अंतर्गत स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो कि बिल्कुल परमानेंट जॉब है बिहार सरकार की पुलिस विभाग में, जिसका कि आवेदन की अंतिम तिथि आपको 30 मार्च तक आवेदन इसको कर सकते हैं, और इसका जो ऑनलाइन लिंक अवेलेबल है, फॉर्म भी भरा रहा है, तो जाके देखिए, आप अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है ये वैकेंसी आया हुआ है, तो मैंने इसका जो वीडियो है अपलोड कर दिया है, और इसमें जो है मुझे बहुत सारे कमेंट में आ रहे हैं कि फेक है, फेक है, फेक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बना दिया है 10 से 12 मिनट का, आप जाकर वीडियो को वॉच कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि मैं फ्रेंड्स आपको साफ साफ बोल दिया कि ये जो है आउटसोर्सिंग कंपनी है, ये आपको प्राइवेट कंपनी में जॉब देगी, प्राइवेट काम है ये, ठीक है। तो फेक है कि नहीं है मैं ये साफ नहीं बोल सकता, क्योंकि इसका ऑफिस पटना में है, मैंने इसमें बात किया है, और उसमें जो इसका जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो भी रिकॉर्ड करके मैंने आपको इस वीडियो में सुनाया है, जाके देखिए। और अपना आप विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप भरना चाहते हैं तो इसमें फ़ीस लग रहा है 500 रुपया, ठीक है। मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा भरने के लिए या नहीं भरने के लिए, आप अपना हिसाब से जो आपको इच्छा करे वो कीजिए। मेरा काम था वैकेंसी आप तक पहुँचाना, बाकी इसको फिर सही या गलत क्या है, क्योंकि ये फ्रॉड है कि नहीं है मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकी आप अपना देखिए, 10 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का ऑनलाइन, ठीक है। और फ्रेंड जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है कृषि विभाग बिहार की तरफ से, यहाँ पर जो है वैकेंसी पहले आई थी, इसका डेट था 25 फरवरी लास्ट डेट, लेकिन फिर जो है सरकार ने यहाँ पर इसको बढ़ाकर कि 13 मार्च तक लास्ट डेट किया है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, अगर आप लोग 10वीं पास है तो ग्राम स्तर पर नियुक्ति हो रही है कृषि विभाग में, आप जो है लैब खोलकर अच्छे खासा पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बड़ा अपडेट आपके लिए इस वीडियो में, तो जाकर वीडियो को देखिए, और आप अप्लाई नहीं किए तो अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वैकेंसी फ्रेंड्स ये है आपको बिहार सरकार के अंतर्गत,
जो कि आपको डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, इसमें कोई भी एग्जाम कोई फीस नहीं लग रहा है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर, और इसमें बहुत सारे वेरियस पोस्ट हैं, और इसका जो इंटरव्यू डेट है वो आपको 14 और 15 मार्च को रखा गया है, ठीक है। तो जाके वीडियो को देखिए, किस किस पोस्ट के लिए कब इंटरव्यू है और क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो अपडेट है वो है कि फूड सेफ्टी मित्र के लिए फॉर्म भरा रहा है बिहार सरकार के अंतर्गत, जो कि सभी पंचायत में इसकी नियुक्ति हो रही है, और इसका ऑनलाइन फॉर्म भी चालू है, लिंक भी अवेलेबल है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप जो जो मैंने वीडियो दिखाया आप वो वीडियो वॉच कीजिए, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और इसमें योग्यता क्या है, वेतन क्या है, अंतिम तिथि क्या है, सब कुछ मैंने इसमें बताया है। तो जाके वीडियो को वॉच कीजिए, और आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स, इस सप्ताह का नेक्स्ट और सबसे लास्ट अपडेट है वो है कि बिहार के अंतर्गत जो है ये भी राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत बड़ी भर्ती आई हुई है, जो कि 865 पदों पर भर्ती है, और 11,500 सैलरी मिलेगा। इसका ऑनलाइन लिंक भी आपका शुरू है, अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सभी जिलों के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, बिहार के अंतर्गत आप कोई भी जिले से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट भी लंबा अभी है, 30 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इतने सारे अपडेट दिए आपको इस सप्ताह के, तो सारा वीडियो मैंने बना दिया अपने चैनल पर, जाकर देखिए, वॉच कीजिए, और ये सब का लिंक भी मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और कोई भी दिक्कत हो हमको आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स, जो है इस तरह के मैं अपडेट लेके आते रहता हूँ आपके लिए हर सप्ताह, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।